हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी सोएब शो। तो यार, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहते हो। तो 65% लोगों ने कहा कि क्रिंज मूवी रोज। मतलब यार, तुम लोग मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ के ही मानोगे। You're right, bro. तो मैंने भी सोचा कि चलो देख लेते कोई क्रिंज मूवी, और अब तो मुझे आदत हो गई है। अब अगर मैं कोई अच्छी मूवी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या देख लिया। तो मैंने सर्च की क्रिंज मूवीज और मेरे सामने एक नाम आया, बॉम्बे वेलवेट। यार, ये वो मूवी है जिसके बनने के बाद बॉम्बे में वेलवेट को बैन कर दिया गया। उनको पहले ही पता चल गया था कि ये लोग बॉम्बे के नाम पे ऐसा चूतियापा बनाने वाले हैं, इसीलिए बॉम्बे का नाम उन्होंने मुंबई रख दिया। सच बताओ, मैंने इस मूवी का पहले कभी भी कोई भी सीन नहीं देखा हुआ था, और लाइव पॉज सही थी यार, क्योंकि इस मूवी का एक भी सीन देखने से अच्छा है मैं राधे मूवी को 10 बार देख लूं। क्या बोला तूने? इस मूवी की सबसे वाहियात बात है इस मूवी का विलन, क्योंकि इस मूवी का विलन है करण जौहर। यार, किसका आइडिया था इसको इस मूवी में लेने का? भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। मानता हूँ कि इस मूवी के स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सबने तुमको गांड पे लात मार के भगा दिया होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गधे को चश्मा लगा के उसको घोड़ा बोलने लगो। ये तो वही बात हो गई कि एक विमल क्या खाली खुद को अजय देवगन समझने लग गए हो तुम। यार, मतलब इस विलन को देख के थेनोस को भी मिर्गी का दौरा पड़ गया कि वेंचोद ये क्या है। अब वासीर बना दिया हो। और ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो बंदे का, अभी तक ऐसे बोल रहा है, अरे नो वन हैज ऑफर्ड मी अ फिल्म आफ्टर बॉम्बे वेलवेट, आई एम वेटिंग, इट वाज सच अ डिजास्ट्रस डेब्यू दैट आई नेवर गॉट अ सिंगल फिल्म ऑफर, आई एम डाइंग, आई एम वेटिंग दैट समवन कम्स एंड ऑफर्स मी अ गुड रोल। आई डोंट वांट अ लीड रोल में कौन आके मुझे देखेगा, लेकिन आई एम लाइक आई वांट अ गुड सपोर्टिंग रोल, इवन शकुन डिडंट। अबे ऐसा चुतियापा करने के बाद भी तुझे उम्मीद है कि कोई तुझे उसकी मूवी में लेगा? अबे तू खुद को अपनी मूवी में नहीं ले पा रहा है और दूसरों से उम्मीद कर रहा है। यार करण, 1 ग्राम माल मुझे भी दे दे जो तूने फूका है। यार करण, तू कलंक जैसी मूवी बना रहा था वो कम था क्या, जो अब खुद एक्टिंग कर रहा है और विलन भी बन रहा है? यार तू ना एक काम कर, थिएटर में बॉम्ब लगा दे, एक ही बार में खत्म कर, क्योंकि तेरी मूवी हर रोज जान लेती, बम तो सिर्फ एक बार लेकर। यार ये मूवी इतनी खराब है कि ये देखने के बाद मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि बिल्ली का गू पड़ा था रोड पे, मुझे वो भी हीरा लग रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और करण की एक्टिंग देखने के बाद तो अर्जुन कपूर के लिए मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि भाई तू ऑस्कर जरूर जीतेगा। कुछ भी, इस मूवी का जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरा हुआ ना, तो साला कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आया। सबको लगा कि मूवी इतनी अच्छी है कि लोग फिर से देखना चाहते हैं, इसीलिए कोई बाहर नहीं आ रहा। लेकिन जब अंदर जाके देखा तो सब बेहोश पड़े थे, किसी की आंख से, किसी की नाक से, किसी के कान से, बेंचोद यहाँ तक के लोगों के गांड से खून टपक रहा था। यार इस मूवी में क्या हो रहा है पता नहीं, क्यों हो रहा है पता नहीं, रणबीर कपूर बना क्या है पता नहीं, करण जौहर क्या कर रहा है पता नहीं। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, आपको कुछ समझ में आया तो थोड़ा कॉमेंट में मुझे भी समझा देना यार। यार मैंने आज तक वाहियात से वाहियात मूवीज देखी हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कम से कम एक सॉन्ग तो अच्छा होता है जिसको सुन के लगता है कि चलो 5 मिनट तो अच्छे से गए। पर इस मूवी का एक एक गाना मतलब चूतिया पे का खजाना। इस मूवी के हर गाने को 10 सेकंड सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन वो चुप नहीं होगा। यार 5 मिनट का गाना ऐसा लगता है जैसे 50 मिनट हो गई हो सुनते हुए, पर वो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना चूतिया लगता है। इस मूवी के सॉन्ग अगर कोई सुन ले तो कान तो खराब होंगे ही, उसके ईयरफोन पहले खराब होंगे। हॉस्पिटल में पेशेंट को बेहोश करने के लिए आजकल एनेस्थीसिया नहीं, इस मूवी के गाने सुनाए जाते हैं। रणबीर कपूर को जब किसी का काटना होता है तो वो सामने वाले को मना इस मूवी के गाने सुना के ही करता है, और अगर फिर भी वो झेल लेती हैं, शिद्दत वाला प्यार करती हैं, तो उसको ये पूरी के पूरी मूवी दिखा देता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर मुझे मेरे रूम से छिपकली भगानी हो ना, तो मैं इस मूवी के गाने फुल वॉल्यूम में बजा देता हूँ। बहन जो दीवार में छेद करके भागती है छिपकली। मतलब यार इतने चूतिया गाने कैसे हो सकते हैं, गाने वाले को खून की उल्टियाँ कैसे नहीं हुई? मेरे ईयरफोन्स डिस्चार्ज हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो 40 सेकंड का सॉन्ग बचाएं, ऐसे ही बिना ईयरफोन के बाहर बैठ के सुन लेता हूँ। घर पे सुन नहीं सकता क्योंकि घर वाले प्यारे हैं मुझे, तो बाहर कोई नहीं था तो मैंने 40 सेकंड का सुन लिया। 40 सेकंड बाद जब मैंने ऊपर देखा तो 4 कुत्ते बेहोश पड़े थे। मैं जो अरिजीत का गाना बजाया तब जाकर उठे वो, पर बॉम्बे वेलवेट के 40 सेकंड के सॉन्ग से उनका मानसिक संतुलन ऐसा खराब हो चुका था कि वो भाव भाव की जगह डैचू डैचू कर रहे थे। What the fuck? अगर इंडियन आइडल के ऑडिशन में कोई इस मूवी के गाने गा ले, फिर चाहे वो कितना भी बोल दे के मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए,
मगर नेहा कक्कर की आंख से एक आंसू ना टपकेगा। सही पकड़े हैं। तो यार चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस मूवी में है क्या, कितना चूतिया का भरा हुआ है इस मूवी में। सबेरे क्या मेरे को यही देखने का क्या? तो कहानी शुरू होती है ट्विंकल खन्ना से, सॉरी रवीना टंडन से, नहीं ट्विंकल खन्ना से ही। अरे कहना क्या चाहते हो? यार जो भी है आप समझ लेना। ओके। ये एक बार में गाना गा रही है और ये गाना 5 सेकंड सुनने के बाद ही मुझे लग गया कि मूवी में मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि इस गाने को 10 बार सुनने के बाद तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये हिंदी में ही गा रही है। और अब आजादी के 2 साल बाद रणबीर कटर अपनी माँ के साथ बॉम्बे आता है और ये गाना फिर से बजता रहता है, जिसमें ये कहती है कि तेरी किस्मत खराब है। अबे खराब है तभी तो ये मूवी देख रहा हूँ। अच्छा। फिर ये छोटा रणबीर कटर एक चिंदी चोर को अपना दोस्त बना लेता है और इसकी माँ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में पड़ जाती है। वहीं दूसरी साइड छोटी अनुष्का भाभी गाना गा रही होती है, तभी इस सैलमोन भाई के डुप्लीकेट की जेरोक्स कॉपी जैसे दिखने वाले सैलमोन भाई को इसकी आवाज पसंद आ जाती है और ये इसकी माँ को बोलता है नहीं। मुझे भी नहीं आया था, पर मैंने पता लगाया तो ये इसकी माँ को बोलता है कि मैं सिखाएगा इसको गाना, क्योंकि बाद में मुझे इसको बजाना। तो ये इसको लेकर जाता है और इसको मार मार के सिखा रहा है और बड़ी होने के बाद इसके साथ दुष्कर्म भी कर रहा है। यार ऐसे ही भेज दिया बच्ची को किसी के साथ, क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? धिक्कार है हम पर। पर अनुष्का भाभी इसके सिर पे बाल्टी से हमला करके भाग जाती है और आ जाती है मुंबई, जहाँ ये चोमू के पास बिकनी शूट करवाती है। और वहाँ रणबीर कटर चोर को दोस्त बनाया था बचपन में, तो अब बड़ा होके चोरी कर रहा है और बॉक्सिंग भी, लेकिन इसको फोड़ डालते हैं। अबे तेरा नाम रणबीर कटर क्यों है पता है तेरे को? क्योंकि साला तू काटता बड़ा अच्छा है, तो वही करना बॉक्सिंग का कर रहा है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। लेकिन इसको कमाना होता है बहुत सारा पैसा, तो वहाँ एक स्मगलर आता है और इसको काम पे रख लेता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। तो ये साला वहाँ पे एक पेटी सोना चुरा के अपनी माँ के घर रख देता है। सही खेल गया बैंच। साला करण जौहर की मूवी थी ना, इसलिए इतना जल्दी अमीर बन गया ये। और अनुराग कश्यप डायरेक्टर था, इसलिए 10 मिनट की गरीबी भी दिखाई है, नहीं तो करण जौहर को तो लगता है कि गरीब कोई होता ही नहीं है। सभी मिलीनियर हैं दुनिया में, सबके पास पैसे हैं, बस उनको खर्चना कैसे है लोगों को नहीं पता। Exactly. तो रणबीर कटर मेरी बात मान के सोचता है कि चलो किसी का काटते हैं, लेकिन उसके लिए पहले किसी को पटाना पड़ेगा। तो ये अनुष्का भाभी को गाते हुए देखता है और बस इसको पटाना शुरू और इसके लिए पिटना भी शुरू। अबे तू मूवी का हीरो है या टिकटॉकर, हर कोई बजा रहा है तेरी। ये दुख का खत्म नहीं होता। लेकिन अनुष्का भाभी इस जर्नलिस्ट के साथ चली जाती है और इसकी माँ इसका सोना लेके भाग जाती है। भाई यार ये इस मूवी का हीरो कम और केआर के ज्यादा है, साले तू इतना चूतिया कैसे हो सकता है? और तेरी किस्मत तो मानो जैसे दीपक कलाल से लिखवाई हो। सही पकड़े हैं। तो अब रणबीर कटर को बड़ा हाथ मारना है, तो वो अपना चूतिया दोस्त के साथ एक अमीर आदमी को लूटने की ट्राई करता है, लेकिन ये तो कलंकवा है। तो ये बोलता है कि अबे तू तो स्टार किड है ना साला, एक तो स्टार किड ऊपर से ऐसी चूतिया हरकत कर रहा है, आई एम इम्प्रेस्ड, चल तेरे को काम पे रख लेता हूँ, लेकिन पहले तेरा नाम बदलना पड़ेगा। जॉनी, समझ रहे हो साले, तू इसी का नाम बदल रहा है ना, क्योंकि मुझे तेरे नैनों के इशारे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। साले बायोपिक बना रहा है क्या तेरी, कि कैसे स्टार किड्स को काम देता है तू? तो अब ये रणबीर को मस्त एक गुंडे वाला काम देता है, जिसमें पहले तो ये एक ऑफिसर को बंदी के चक्कर में फंसा के उसका मर्डर करवा देता है और दूसरे ईमानदार ऑफिसर के बंदी के साथ नंगे पुंगे फोटो लेके उसको ब्लैकमेल करता है। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म। पर साले ये बंदी कौन है जो हर किसी के साथ लगी हुई है? मेरी वाइफ। शर्म करो भगवान से डरो। तो अब ईमानदार ऑफिसर इनकी जेब में है, तो ये खोलते एक क्लब जिसका नाम है बॉम्बे वेलवेट, और वहाँ वो जर्नलिस्ट अनुष्का भाभी को सीक्रेट एजेंट बना के भेज देता है रणबीर कटर के पास, जहाँ उसको रणबीर कटर और कलंकवा के काले धंधे का पर्दाफाश करना है। तो अनुष्का भाभी जाती है रणबीर कटर के क्लब में और वहाँ नौकरी लेकर वहाँ की बड़ी सिंगर बन जाती है और इनका क्लब हिट हो जाता है और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। और भाई साहब रणबीर कटर जर्नलिस्ट को बोलता है कि देख चूती अनुष्का भाभी अब मेरी है। यार इस मूवी में सच में क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। What the fuck is going on here? तो जर्नलिस्ट काकू का माथा घूम जाता है इस बात से और वो न्यूज़पेपर में छाप देता है कि कैसे कलंकवा ने नेपोटिज्म बढ़ाया। सही खेल गया बैंच। तो अब ये कलंकवा बड़े बड़े लोगों को अपनी जेब में रख के बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, लेकिन मिल के मजदूर यूनियन वाले स्ट्राइक कर देते हैं। तो कलंकवा बोलता है कि इनको तो मरना पड़ेगा, तो रणबीर कटर इनको मार देता है। कुछ भी। और क्योंकि रणबीर कटर सबको काट पीट रहा है, तो वो कलंकवा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को 30% की पार्टनरशिप चाहिए। तो इस पे कलंकवा हग, मेरा मतलब हंस देता है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और वहाँ जर्नलिस्ट को मिल जाता है एक फोटो जिसमें ये सब साथ में होते हैं और ये पेपर में छाप देता है। तो रणबीर कटर का माथा घूम जाता है और वो जाता है जर्नलिस्ट को मारने, लेकिन तब भी रणबीर कटर को पता चलता है कि अनुष्का भाभी को तो जर्नलिस्ट नहीं भेजा था। साला एक ही बंदी के लिए 2 बार चन्ना मेरेया गाना पड़ेगा इसको।
और तुम रणबीर कटर का ही काट रहे हो। अबे चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना खरबूजे को ही, और ये तो साला कटर है कटर, टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो अब अनुष्का भाभी को मरना पड़ेगा। तो अब अनुष्का भाभी के घर में बॉम्ब लगा के उसको उड़ा देते हैं। आगे अनुष्का भाभी की है मैयत, और मैयत पे अनुष्का भाभी भी आ जाती हैं। अरे भाई भूत! अरे ये भूत नहीं है, अनुष्का भाभी की छोटी बहन है। Seriously, what the fuck are you doing? मतलब हद पार चूतिया पा चल रहा है इधर, पर ये है अनुष्का भाभी ही, क्योंकि रणबीर कटर ने इसको बचा लिया था और अनुष्का भाभी ने ये चूतिया प्लान बनाया कि वो खुद को इसकी छोटी बहन बना के आएगी। शाबाश! लेकिन इस मूवी में दो पुलिस वाले हैं, के मेनन और विकी कौशल, तो इनको हो जाता है इन पे शक। तो अब रणबीर कटर को जो चाहिए उसको वो नहीं मिलता, तो वो कलंकवा को ब्लैकमेल करता है कि देख मजदूरों का लीडर अभी जिंदा है, हमका हमारा नाम पे एक बिल्डिंग बना के दे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो अब करण जौहर की पहले से फटी हुई फिर से फटके 34, और ये सब मिलके बोलते हैं कि रणबीर कटर को ही काट डालते हैं। What the fuck is going on here? तो पहले ये दोस्त के बीच में खूट डालता है कि वो रणबीर कटर साला तुझे नौकर बनाया, तू मार दे उसको, मार देना। तो अब क्लब में हो जाता है हमला, तो इसका दोस्त डीपी का हॉरिजॉन्टल तवा निकाल के इसकी गन में उसको वर्टिकली लगा देता है, तो उसको सब पेल देते हैं। साले अब डीपी में तवा उल्टा लगाएगा तो मरेगा ही ना, तो रणबीर कटर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अबे कैसा चूतिया दोस्त है बे तू, जब तेरी खुद की बंदी मरी तो तू उसको कब्र में दफना रहा था, सबको बुला रहा था, फूल लेके जा रहा था, लेकिन जब दोस्त मरा तो उसको पानी में फेंक दिया, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। और अनुष्का भाभी का मास्टर प्लान उसी की बहन बन के घूमना इतना जबरदस्त होता है कि सबको पता चल जाता है। तो कलंकवा अनुष्का को किडनैप कर लेता है और रणबीर कटर होटल से सेंटा बन के भाग जाता है और घुस जाता है क्लब में दोनों हाथ में वर्टिकल तवे वाली डीपी लेकर। अबे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, साले रीलोड कैसे करेगा इसको ये खास से। तो अब ये पहुंच जाता है कलंकवा के पास, जो एक गुंडे से इसकी धुलाई करवाता है और अनुष्का भाभी को गोली मार देता है और बोलता है कि 15 मिनट है तेरे पास, इस गुंडे को मार और इसको हॉस्पिटल लेके जाना, नहीं तो 15 मिनट में ये मर जाएगी। यार साइड में खड़ा यमराज भी बोल रहा होता है, हाँ ये कर लो पहले, अरे लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। तो रणबीर गुंडे को मार देता है, कलंकवा को मार देता है और अनुष्का भाभी को लेके जा रहा होता है कि पुलिस रणबीर को मार देती है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। यार कसम से सच बता रहा हूँ, आज तक बहुत चूतिया पे वाली मूवीज देखी पर इसका लेवल ही अलग है भाई। तो यार अब तो लाइक करना बनता ही है, शेयर करना बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, यार कर दो यार जल्दी से।